एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, मरता मरता जग मरा मरण न जाना कोई, ऐसी मरने कोई मरे जो फिर न मरना होए। मुझे मरने का चाव है, मैं मरूं हरि के द्वार, मत हरि पूछे कौन है क्यों पड़ा हमारे द्वार। कितनी बार हम मनुष्यों का जन्म होता है मृत्यु होती है, पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम, तदपि न आशा त्यागत पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। पुनर्जन्म के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हैं हम बदायूं जिले में बिसौली के पास, और हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? सत्यपाल। सत्यपाल श्रीवास्तव जी है? जी श्रीवास्तव। और हमें मालूम हुआ था आपके पिता बड़े धार्मिक थे, भक्त थे, और उन्होंने यहाँ गांव में 7 दिन का वो कराया था भागवत सप्ताह। जी है जी। क्या नाम था उनका, आपके पिताजी का? श्री रघुवीर। श्री रघुवीर। और कितनी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी? लगभग ये 55 साल ही। 55 साल में किस तरह से हुई थी? एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? बिसौली मंडी के सामने, कोतवाली के सामने हुआ था। कोतवाली के सामने, कहीं वो काम पे जा रहे थे? जी। कहाँ पे काम करते थे वो? कुन्नू बाबू के यहाँ, जो विधायक थे। जी है जी, विधायक जी के यहाँ काम करते थे। तो एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ था उनका? मोटरसाइकिल पीछे से। जी, वो पैदल थे। अच्छा, आपके पिताजी पैदल जा रहे थे। जी। और पीछे से बाइक, बाइक वाले ने हाँ जी टक्कर मार दी पीछे से, तो वहीं पे मर गए थे? नाना जी बरेली ले गए। अच्छा, अस्पताल ले गए। जी। अच्छा, तो वहाँ इलाज वगैरह हुआ? ना ना ना, और यहाँ से बदायूं, बदायूं से बरेली। अच्छा, तो रामगंगा पे ख़त्म हो गए। अच्छा, रामगंगा पे ख़त्म हुए। तो हमने सुना है उनका फिर दोबारा जन्म हुआ यहाँ जो गांव है श्यामपुर, सुनने को हमें मिला है जी। वो जो बच्चा है जी, यादव परिवार से है। जी है जी, जी। और उसके पिता लाइन मैन हैं जी, और वो यहाँ गांव में आए भी थे। हाँ जी आए हैं, है? गांव में रिश्तेदारी है उनकी। हाँ, ननसार है उस लड़की की। हाँ, लड़के की ननसाल है। तो हमें पता चला यहाँ उसने बताना कुछ शुरू किया था। हाँ जी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कहीं बैठी हैं, है? जी। जो हमें बताया। जी जी। तो उस बच्चे ने कहा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बोले, तुमको क्या मतलब हम बैठे हैं या खड़े? कि मुझे ये मतलब है कि मैं रघुवीर हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, और मेरे 2 बेटे हैं, वो कहाँ हैं? ऐसा उन्होंने पूछा, जो मुझे बताया गया है? जी। और तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। जी। उन्होंने और लोगों को भी पहचाना है जी। आप थे उस समय वहाँ पे? हम गए थे घर पर, यहाँ उनकी ननसार में जो लड़का आया था। हाँ, हम गए। अच्छा, तो उन्होंने पहचाना आपको? हाँ, हम गए, हमारे चाचा गए। अच्छा जी। तो उस लड़के ने पहचान लिया आपको? हाँ, कुछ शर्मा गए वो पहचान। वो क्या हुआ, ज्यादा भीड़ के चक्कर में, ज्यादा भीड़ में, और उसके जो पिता थे ना वो लाइन मैन जी, उन्होंने उस लड़के को पीट दिया था। ये पता चला कि उसने थप्पड़ मारे 2-3, तो वो घबरा गया लड़का, और फिर उसने बताना बंद कर दिया था। हाँ जी। उनको ये था कि ये बात इधर उधर फैलेगी। हाँ, दवा उन्होंने दबा दी वो बात जी, और हमने उनको खबर भी भेजी थी कल भी, और 1 महीने पहले भी खबर भेजी थी कि पुनर्जन्म के विषय में हम उस बच्चे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वो आए नहीं। आज मैं बात करूँगा? नहीं, आज तो हम जा रहे हैं। अच्छा, आप जा रहे हैं? हम आज जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा आप रघुवीर जी के पुत्र हैं जी, तो आपसे कुछ बात कर लेंगे तो हमारा वो मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा है? जी जी। बच्चा छोटा है, वो बता पाए ना बता पाए, उसके पिता हैं,
वो बताने में इंटरेस्टेड हो ना हो, हाँ है, जी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो बताना नहीं चाहते, जी बताना नहीं चाहते, वो सोचते हैं ऐसा ना हो कि बच्चे के दिमाग पे गलत असर पड़े और हाँ वो बार बार अपने पिछले घर की तरफ को भागे, है? हाँ भागते देव हाँ, गए होंगे घर पे, ना, घर पे जान ही ना दे, वो उसके मामा पकड़ के ले जाते हाँ, इतना बस स्पोर्ट वही जाने न दी। तो नहीं। पता नहीं लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, और जबकि ये तो इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि ये ईश्वर का रहस्य है। अच्छा जी, हर किसी को तो अपना पिछला जन्म याद भी नहीं रहता, हाँ जी, हजार में लाख में किसी एक दो को अपना पिछला जन्म याद रहता है। तो उनको अपना जन्म याद रहा, और पहले वो नाई परिवार में थे आपके पिताजी, और अब वो यादव परिवार में हैं। जी तो उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है, जो हमें हाँ पता जी चला वो सब ठीक है। तो और हमारा उद्देश्य पुनर्जन्म के विषय में बात करने का ये रहता है कि कुछ लोग तो कहते हैं पुनर्जन्म होता नहीं, कुछ कहते हैं कि होता है, तो ये प्रमाण है कि होता है? जी जब वो आत्मा दूसरे शरीर में आ गई और वो खुद बता रही है, पहचान रही है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, और कोई ऐसी बात बताई उन्होंने घर में? ना ना ना, और कोई बात ना बताई, वो अच्छा, आनी ना दे घर पे, वो डांट दे ना आने नहीं दिया जी। उन्होंने? हाँ, तो नहीं, बहुत से ऐसी गोपनीय चीज़ें भी बता देते हैं कि मेरा वो सामान वहाँ रखा है ना ना, और ऐसी कोई बात ना ऐसा हुई। कुछ नहीं हुआ। चलिए, तो ये हम देखते हैं पुनर्जन्म के विषय में। और आत्मा बार बार अपने शरीर को बदलती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन। वो ईश्वर हर एक शरीर में, हर एक आत्मा के भीतर विद्यमान रहता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रोड़ानी मायया। वो प्रभु अपनी माया से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे इधर उधर घुमाता रहता है। ये मनुष्य का जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें और उस प्रभु की आराधना करें। देखिए, हम लोग जो जपते हैं परमेश्वर का मंत्र, एक तू सच्चा तेरा सच्चा नाम नाम सच्चा, एक सच्चा खुला मंत्र जी है, जी इसमें किसी को ऐसा कोई बाधा नहीं है, और आप भी इसको जपें, हैं, जपा करें जीवन ठीक में, ठीक तो उससे क्या होगा, हमारी आत्मा में प्रकाश बना रहेगा जी और हमारी बुद्धि उस परम ब्रह्म में लगी रहेगी और हम संसार में अच्छे काम करेंगे। आपके पिता खुद भागवत कराते थे, हैं, उन्होंने जी कराया जी तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी वजह से हमने आपको बुलाया कि आपसे हम बात करें। आपका नाम सतपाल सिंह है ना? जी हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर की आज्ञा से ये जीवात्मा कहीं भी जा सकती है, अपने से उच्च लोकों में भी जा सकती है, देव रूप भी हो सकती है और निम्नता में भी गिर सकती है। जैसे हमारे कर्म होंगे इस जन्म में, वैसा ही अगला जन्म हमको मिलेगा प्राप्त होता है, जी। मिलता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।